हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह SEO स्पाई ग्लास इस्तेमाल करेंगे और इसके इस्तेमाल से कंपटीटर्स वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, कब बैकलिंक बनाया, कितना बैकलिंक है, कहां से बनाया, ये सारी जानकारियां। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर जो आप नहीं जानते हैं SEO स्पाई ग्लास, आप नया है तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि एक प्रीमियम जो है सॉफ्टवेयर है, SEO टूल्स है, जो कि फ्री में अभी मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, वहाँ से आप देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, उसमें सारा कुछ बताया है हमने कि कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको सेटअप करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है अगर जो आप इसे इस्तेमाल में फ्री में 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको बता दे, जो कि ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में सारा कुछ हमने बताया है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जो कि इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से जो है आपको 1 2 3 4, जो कि पहला है SEO स्पाई ग्लास, उसके बाद रैंक ट्रैकर, वेबसाइट ऑडिटर, लिंक असिस्टेंट, यहाँ पर 4 सॉफ्टवेयर आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर जो आपको यहाँ पर SEO स्पाई ग्लास को इस्तेमाल करना है तो पहले ओपन कर लेते हैं SEO स्पाई ग्लास को। देख सकते हैं मैंने ओपन करने के लिए क्लिक कर दिया है, सो ओपन होने देते हैं। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है एप्लीकेशन, जो कि आपका जो है विंडो में ये इंस्टॉल्ड हो जाता है, आपको वेब ब्राउजर की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ भी आपके लिए वेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस है, जो कि अगर जो आप पहली बार डाउनलोड करके इस तरह से ओपन करेंगे तो नहीं होगा इस तरह ओपन। आपको वहाँ पर जो है सेटअप मांगेगा, उसके बाद जो है कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, मतलब इसका की जो मिला है आपका ईमेल में वो चीज़ डालना पड़ेगा, जो पिछली वीडियो में सारा कुछ बताया है। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं वेबसाइट के एनालाइज करने के लिए यहाँ पर जो है डोमेन मांग रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। पहला जो है डोमेन एंड सब डोमेन दोनों को चेक करना चाहते हैं तो ये इसके सेलेक्ट करेंगे। अगर जो आप सिर्फ डोमेन को करना चाहते हैं, जो कि मेन डोमेन होता है उसको, तो ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट URL, जैसे कि कोई भी आप पोस्ट को URL को एनालाइज करना चाहते हैं कि वो कितना रैंकिंग में है, उसका कहाँ से बैकलिंक मिला है, सारा कुछ जानकारियाँ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेन डोमेन को मैं एक एनालाइज करके दिखाता हूँ, जो कि एग्जैक्ट बताएगा कि कहाँ से बैकलिंक बना और कितना बैकलिंक्स है, कितना डू फॉलो, कितना नो फॉलो, सारा है। ओके, तो मैं यहाँ पर URL डाल देता हूँ एक वेबसाइट की, जो कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और ये फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्लीज वेट आ गया है, और यहाँ पर जो है वेबसाइट को एनालाइज करेगा अब ये जो सॉफ्टवेयर है SEO स्पाई ग्लास। ओके, ये अभी दोस्तों यहाँ पर नया है, इसलिए सभी को फ्री में मिल रहा है, बिकॉज ये अगर जो जैसे ही इनका डिमांड होगा तो बिल्कुल इन्होंने भी पैड कर देना है। सो इसीलिए आप 1 साल के लिए फ्री में ले लीजिए, सो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 1 साल तक आप बैकलिंक चेक करिए एकदम प्रोफेशनली, कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा जो है हिडन नहीं है कि आपका ये चीज़ लिमिटेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल यहाँ पर जैसे ARF यूज़ करते हैं, तो ARF में जो है क्या है कि बहुत एडवांस लेवल का है, लेकिन वहाँ पर बिगनर्स के लिए या फिर नए ब्लॉगर के लिए तो भाई यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई भी, बिकॉज उनको $99 का है, उसके बाद और भी बड़ा बड़ा पैकेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वेबसाइट का जो है कलेक्टिंग कर रहा है बैकलिंक सारा, कहाँ से कितना है, और सारा आपको इकट्ठा करके यहाँ पर बता देगा, और ये भी बताएगा कि जो है बैकलिंक कहाँ से बना है और कब बना है, और उसके बाद जो है लिंकिंग डोमेन कितना है, एंकर टेक्स्ट कौन सा लगा हुआ है, लिंक पेज कौन सा है, रेफरल ट्रैफिक कहाँ से आता है, पेनल्टी रिस्क जो है वहाँ पर भी आप जो देख सकते हैं। ओके, सो इसको वेट कर लेते हैं, हम लोग इसको एनालाइज करने देते हैं, बिकॉज ये बड़ी वेबसाइट है तो ये एनालाइज करने में इसको टाइम लगेगा। ओके, सो आपको वेट करना है। और यहाँ पर बता दें दोस्तों कि अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, इसी तरह आपको जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो है, आपको लर्निंग से रिलेटेड ही वीडियो आपको यहाँ मिलता रहेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं एनालाइज करने के बाद टोटल बैकलिंक बता रहा है कि कितना डो फॉलो परसेंट है, उसके बाद यहाँ पर डोमेन्स का कितने बैकलिंक्स है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे और आएंगे तो आपको और भी जानकारियाँ मिलेगा, जो कि यहाँ पर सारा जो भी स्टैटिक्स है वो दिखा रहा है, जो कि लाइव बैकलिंक हिस्ट्री यहाँ पर भी बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपको जो है कंपटीटर्स का वेबसाइट को एनालाइज करने का बहुत एक बेहतरीन टूल्स है, आपको फ्री में 1 साल के लिए मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बैकलिंक के बारे में बता रहा है कि ये जो है
यहाँ से बनाया गया है बैकलिंक, जो कि यहाँ पर मोस्ट रिसेंट की डेट भी यहाँ पर बता रहा है और वेबसाइट का नाम भी बता रहा है। ओके सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और क्या देखना चाहते हैं तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारा कुछ दिखाएगा। लॉस्ट जो है मतलब कितना है लॉस्ट बैकलिंक वहाँ पर ये भी बताएगा। ओके और उसके बाद जो है इन लिंक रैंक कितना में दिखा रहा है ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एंकर टेक्स्ट कौन सा लगा है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ओके देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारा एंकर टेक्स्ट कौन कौन सा लगा है और यहाँ पर सारा कुछ जानकारियाँ है। दोस्तों यहाँ पर आपको बैकलिंक पे अगर जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको बैकलिंक फाउंड इतना बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर 94% जो है यहाँ पर डू फॉलो के बारे में बता रहा है। उसके बाद कहाँ से बना है और नो फॉलो है कि डू फॉलो है यहाँ पर सारी आप देख रहे हो, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कितने भी आप एनालाइज करेंगे उतना ही आपका वेस्ट होगा अपना जो है कंपिटिटर्स का एनालाइज करके आपका जो है उसका वेबसाइट बिट करने का। ओके लिंकिंग डोमेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिंकिंग डोमेन के बारे में बताएगा जो कि यहाँ पर 1400 जो है लिंकिंग डोमेन है। और डू फॉलो की बात करें तो यहाँ पर 65% है। ओके यहाँ पर जो है यहाँ सारा कुछ वो वेबसाइट का नाम बताएगा क्या। ओके देख सकते हैं यहाँ पर। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंकर टेक्स्ट कौन सा लगा है वेबसाइट में वो आपको बताएगा, जो कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एंकर टेक्स्ट कितना है जो कि यहाँ पर बता रहा है सारा कुछ। ओके देख सकते हैं देख सकते क्लिक हियर, उसके बाद ये चीज़ ये से बहुत आ रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर लिंकिंग पेज की देख लेते हैं, लिंकिंग पेज जो है यहाँ पर बता रहा है जो कि आप जितना एनालाइज करेंगे आपको पता चलता जाए। लिंकिंग डोमेन यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा लिंकिंग डोमेन है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे ही अपने तरीके से जो है एनालाइज करके जो है आप देख सकते हैं। डोमेन पेनाल्टी जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपका डोमेन पेनाल्टी का कितना रिक्स है वो चीज़ आपको पता करना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका 0%। यहाँ पर रेफरिंग एफिस की बात करते हैं तो सी ब्लॉक फाउंड यहाँ पर इतना कर दिया है, उसके बाद इतना दिखा रहा है। ओके तो इस तरह से दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं और अपना जो है अपना कंपटीटर्स का वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जो कि रैंक ट्रैकर को इस्तेमाल करके कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे और जो है आप रिसर्च करके अपना वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं और अपना जो है पोस्ट को रैंक करा करके अच्छे खासे जो भी ट्रैफिक ला करके जो भी इनकम करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।